किरण मजे में हो? यस वेरी गुड। आप सभी लोग आए हैं, आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वी हैव गैदर्ड हियर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इस टॉपिक का मीडियम इंस्ट्रक्शन रहेगा तो वो हिंदी रहेगा, क्योंकि इट इज द फर्स्ट टाइम, बिकॉज व्हेनेवर डिलीवर द स्पीच वी डिलीवर ऑलवेज इन हिंदी। ठीक है, आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कशन करने के लिए आए हैं। टॉपिक का जो नाम क्या है भैया? हाउ टू, क्या है? हाउ टू मेक फर्स्ट किलिंग इंप्रेशन। हाउ टू मेक फर्स्ट किलिंग इंप्रेशन, और बढ़िया, हाउ टू मेक फर्स्ट किलिंग इंप्रेशन, हाउ टू मेक फर्स्ट किलिंग इंप्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज, माय डियर, आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और इसके लिए प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी लोग। तालियों के जानदार लेकिन कोचिंग जरूर डेली जाना। क्लियर है? दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लास। क्लियर? ट्रेनिंग सेशन वो है जो आप लोगों का भी चल रहा है। क्लियर है? जहां पर हम प्रैक्टिकली चीजें सीखते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग सेशन। क्लियर? और एक होता है सेमिनार। सेमिनार का मींस व्हेनेवर द पर्सन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेमिनार। उसे हम बोलते हैं सेमिनार, जहां पर व्यक्ति अपने अनुभवों को शेयर करता है कि भाई जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैंने ऐसा ऐसा अनुभव किया, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेमिनार। और एक होता है वर्कशॉप। एक क्या होता है मैडम? वर्कशॉप। वर्कशॉप में हम लोग कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ साथ यहाँ पर मिश्रण ऑफ ऑल होते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑल, क्या होते हैं मैडम? मिक्सचर ऑफ ऑल। ये क्लास भी होती है, ट्रेनिंग भी होती है, इसके अंदर सेमिनार भी होता है, और इन सबको मिला दो, क्या बन जाता है मैडम? क्या बन जाता है मैडम? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, आपका एनआईएफएम में स्वागत करता हूं। यस गाइस, और एक बार इसके लिए फिर से एक बार ताली बजा कर अपना स्वागत करता हूं। तो इस वर्कशॉप के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक में वर्कशॉप की शुरुआत हमेशा जो होती है वो एक कंडीशन से होती है। क्लियर है? यस गाइस, इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो कमिटमेंट्स करने वाला हूँ, दो वादे करने वाला हूँ। क्लियर? यस गाइस, पहला वादा ये कि ये क्लास आप लोगों के लिए, आने वाली सभी क्लासेस के लिए मील का पत्थर, जिसे बोलते हैं फाउंडेशन, बनकर उभर कर आएगी। क्लियर मेडियो? और सेकंड चीज मेडियो, जब आप इस क्लास को एंड कर रहे होंगे एक बजे, क्लियर है, तो आप लोगों में अभी में और बाद में जमीन और आसमान में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। क्लियर है? ये दो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। क्लियर है? लेकिन ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। चलेगा इसे, लेट्स स्टार्ट। चलेगा, तो सबसे पहले ये गाइस, वर्कशॉप को चालू करने से पहले, वर्कशॉप का जो नाम है पहले देखेंगे, क्या है उसका नाम? आइडिया, हाउ टू मेक, बहुत बढ़िया, हाउ टू मेक फर्स्ट चलिए, हाउ टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। अब सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज, ये वर्कशॉप है, यहाँ पर वर्कशॉप जो होता है वो एक सिस्टम से चालू होता है, और सबको सिस्टम को चालू करने के लिए मैं सभी लोगों को यहाँ पर एक एक करके बुलाऊंगा। क्लियर है? आप सभी लोगों को यहाँ पर एक एक करके आना है, क्योंकि क्या है वर्कशॉप है, वर्कशॉप की शुरुआत जो होती है वही कुछ कायदे से होती है, कुछ तरीकों से होती है। क्लियर? सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज, आप सभी लोगों को यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आकर, केवल यहाँ पर आकर आपको अपना इंट्रोडक्शन लेना है, मुझसे हाथ मिलाना है,
मैं भी कुछ भी किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्लियर है। इसके बाद मैं आपको बताता चला जाऊंगा कहां पर कैसे गया, क्योंकि पूरी क्लास आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज आप मुझे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पर बैठे, सभी को आना है, अपना नाम बोलना है, यस गाइस, और कुछ भी नहीं करना, क्लियर है। यस गाइस, कोई अपने मिस केवल जैसे आप कहते हैं हेलो, अपने इंट्रोडक्शन देना है, अपना नाम बताना है, क्लियर है। यस गाइस, चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फटाफट से स्पीड के साथ जाते हैं। यस गाइस, आगे जाइए फटाफट से, सबको आना है, मतलब ये क्या करेंगे भाई, पूरी है गाइस। यस गाइस, यस गाइस, इस कम हेलो, वेरी गुड, आगे सबको आना है, एवरीवन हैज टू कम, डोंट वरी। सबके नंबर सब लोग आए हैं, आप सब लोग इधर ऑब्जर्व करते हैं कुछ ना कुछ, इधर देखें यहाँ पे देखने बस। यस कोई बात नहीं, जो आप कर बताना चाहे बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने बारे में। यस सर, हेलो सर, हाउ आर यू? यस सर, करेंगे
അതിന്റെ मैंने क्या कहा कि मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा पूरा का पूरा सेमिनार आप मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। इस वर्कशॉप में हम काम करने वाले हैं, वर्कशॉप के अंदर सबसे पहले बात बात करने का तरीका, क्या बात करनी चाहिए क्या बात नहीं करना चाहिए, इन सारे विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए मेरा एक उद्देश्य, मैंने कहा वर्कशॉप है, वर्कशॉप में जब गाड़ी जाती है और जब आती है दोनों बड़ा अंतर होता है ना, जाती कैसी बिल्कुल धूमधाम करते हुए जाती है, आती कहती बिल्कुल तन्नाती हुई आपको यहाँ पर पांच लोगों के बारे में लिखना है, पांच नाम लिखना है, पांच लोगों के बारे में लिखना है जिनसे आप पहली बार मिले, जिनसे आप क्या मिले पहली बार मिले, और पहली बार मिलकर आपने उनके लिए एक इमेज बनाई थी। क्या बनाई थी? इमेज। बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, हाँ है ना? आपने उस बंदे के बारे में क्या इमेज बनाई थी? Are you getting my point? Clear? क्या सोचा था जब आप उसे पहली बार मिले थे? Clear? You have to just write down the words. Are you getting my point? Clear हुआ? समझ में आ रही क्या करना है आपको? जैसे मान के चले कि मैंने मिला विष्णु से, अरे यार मुझे लगा आप हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज कर सकते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन दैट यू हैव टू यूज इंग्लिश, यू कैन हिंदी आल्सो, देयर इज नो मैटर। तो आज का वर्कशॉप है और वर्कशॉप का जो टॉपिक है वो हिंदी और इंग्लिश से परे है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, वी आर जस्ट टॉकिंग हियर अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, हाउ टू इंप्रेस समवन एल्स, या हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ इन द ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जैसे मैं विष्णु से मिला तो पहले मैं उससे ये सोचता था, मैं ये सोचता था कि ये ऐसा है, 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 हां है ना? समझ में आ रही आप लोगों को? यू हैव 10 मिनट्स टाइम, यू कैन थिंक। सबसे पहले आराम से सोचना बंदे के बारे में, फ्रेंड से बंदे के बारे में आराम से सोचेंगे। क्लियर है? यार मैं पहली बार बंदे से मिला, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ये सोचा इसके बारे में, मैंने ये सोचा। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हुआ? यस पे इज देयर एनी प्रॉब्लम आइडिया? हैव यू अंडरस्टूड? यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए काम करें, स्टार्ट। Yeah, first of all, you have to just think about one person, then you have to write down all the characters, whatever you have thought about him, whenever you met with him or her first time. It could be boy or girl, there is no matter. It could be any professional, it could be anyone else. Whosoever he or she is, you have to just write down the name. And you have to just write down, and you have to think, you have to just write down whatever you have thought about him or her. Yes. Aram se soche, bilkul. Thought exercise bolte hai. Bilkul aram se. Good morning.